जीले पल के सफर में कल आपने खरीदारी के टास्क में चारों जोड़ियों को संघर्ष और मुश्किलों के साथ आगे बढ़ते हुए देखा, जिसमें करण की जोड़ी फिर से बनी महाराजा और रिच पॉइंट के बेसिस पर अनुप्रिया की जोड़ी कहलाई नंबर वन। तो आज किसे बचाएगी अनुप्रिया की जोड़ी और किसे करना होगा रणभूमि में टॉप का सामना? वेलकम टू रिच जीले ये पल। मैं हूँ रोशनी चोपड़ा और ये है युधिष्ठिर अर्थ और हम हैं अपने फिनाले से सिर्फ एक हफ्ते दूर। अनुप्रिया शिराज, आज पहली बार आपके हाथों में ये पावर है कि आप डिसाइड करेंगी रणभूमि में कौन सी दो टीम जाएगी और किस टीम को आज आप सुरक्षित किले में अपने साथ ले जाएंगी। आज पहली बार मिली है अनुप्रिया शिराज की जोड़ी को किसी को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी। करण और ममता, दो बार बचाया है, आज लगता है कि जो अच्छाई आपने की आपको वापस मिलेगी। अगर ये दोनों हमें बचाते हैं तो आई थिंक वापस करने के लिए नहीं बचाएंगे। आज अच्छा परफॉर्म किया है, आज के महाराजा रहे हैं और बहुत सारे पैसे बचाए हैं, मेहनत को देख के शायद बचा रहे। गौरव पांड्या, करण ने सही बोला, वो महाराजा है आज का, तो आई थिंक उसके पॉइंट्स भी ज्यादा हैं, तो मुझे लगता है कि करण को ही बचाना चाहिए। अनुप्रिया शिराज, आज किसे बचाएगी अनुप्रिया की जोड़ी? आई गो विद करण। कंग्रेचुलेशंस करण और ममता, आप पहुंच गए हैं हमारे शो के फिनाले में अनुप्रिया और शिराज के साथ। मैंने जब भी किसी को बचाया, कॉइन दिए, तो यही सोच के दिए कि अगर उस दिन मैंने गलती की होती तो मेरे गलती का फायदा किसे होता, और अगर किसी को लगता है कि डिजर्व करते थे नहीं करते थे तो ये उनकी चॉइस है, उनका डिसीजन है, उसे कुछ कुछ कर नहीं सकते। अनुप्रिया के फैसले के बाद आज गौरव सानिया और पवित्रा हितेश करेंगी रणभूमि के टास्क का सामना। तो उधर लिव द मोमेंट में बेफिक्र पलों के साथ दो जोड़ियां अपना वक्त गुजार रही हैं। रिच जीले ये पल ने अनुप्रिया शिराज और करण ममता को उनकी मेहनत और किए गए संघर्ष के बदले में दिया है लिव द मोमेंट के खूबसूरत पलों को जीने का मौका। रिच के पल भी बड़े निराले होते हैं, कहीं किसी के हिस्से में आते हैं शानदार खूबसूरत पल, तो किसी के हिस्से में आती है खरे साबित होने की चुनौती। अब दो टीमें उतर चुकी है रणभूमि में अपनी जगह ग्रैंड फिनाले में बनाने के लिए। इस टास्क में जो भी टीम हारेगी वो इस शो को और हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। आज की रणभूमि की चुनौती में दोनों जोड़ियों को वोटिंग के टास्क से गुजरना होगा। इस टास्क में जोड़ियों को वोटिंग करते हुए पॉन्ड में तैरती बॉल्स को एक रॉड वाली नेट से निकालकर अपनी बोट में कलेक्ट करना है। पवित्रा हितेश की जोड़ी ऑरेंज बॉल्स कलेक्ट करेंगी और गौरव सानिया की जोड़ी ग्रीन बॉल्स। इस टास्क में जोड़ियों को अपने कलर्स के बॉल्स को कलेक्ट करने पर मिलेंगे 10 पॉइंट्स, पर अगर किसी जोड़ी ने दूसरी जोड़ी के कलर्स वाली बॉल्स को कलेक्ट किया तो मिलेंगे 10 माइनस पॉइंट्स। अब और एक मजेदार ट्विस्ट, बॉन्ड में इन दोनों कलर्स की बॉल्स के अलावा स्माइली और नॉन स्माइली येलो बॉल्स भी होंगी। स्माइली बॉल्स को कलेक्ट करने पर मिलेंगे 50 पॉइंट्स, और गलती से अगर जोड़ियों ने नॉन स्माइली बॉल्स कलेक्ट कर ली तो मिलेंगे 50 माइनस पॉइंट्स। इस पूरे टास्क को 10 मिनट की समय सीमा में ही खत्म करना होगा। जिसके पास होंगे सबसे ज्यादा पॉइंट के बॉल वही इस टास्क का विनर कहलाएगा। गौरव, हम जानते हैं कि आपको कलर ब्लाइंडनेस है, वज्रा आपको वाटर फोबिया है, लेकिन जैसे इनकी एक हैंडीकैप है आपकी भी एक हैंडीकैप है, तो मतलब बराबर की कशन हो गई। मे द बेस्ट टीम विन, ऑफ यू गो। फिर से शुरू हो गई है रणभूमि की चुनौती। दोनों जोड़ियां चल पड़ी हैं टास्क से दो दो हाथ करने। ऑलराइट, योर टाइम स्टार्ट।
इन जोड़ियों ने ग्रैंड फिनाले में अपनी जगह बनाने की जंग शुरू कर दी है। इस क्लास में जोड़ियों के आपसी तालमेल और पेशेंस की होगी बेहतर परख। गौरव बोटिंग की कसरत करते हुए सानिया को गाइड करने की भूमिका भी बड़ी अच्छी तरह से निभा रहे हैं। ईजी था, जो भी था वो डिफिकल्ट भी नहीं था इतना, लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया था बिकॉज आई एम हाइड्रोफोबिक। पानी के डर की वजह से पवित्रा काफी घबराई हुई है, पर उनके पार्टनर हितेश उनकी हौसला अफजाई करते हुए अच्छी भागीदारी निभा रहे हैं। जल्दबाजी ने एक भी गलत बॉल कलेक्ट करने के बाद जोड़ियों के कदम हार की तरफ बढ़ सकते हैं। पवित्रा और हितेश की टीम बॉल्स को कलेक्ट करने में लगी है। अब देखते हैं कि गौरव और सानिया क्या कर रहे हैं। हल्की फुल्की बॉल्स कभी हो जाती हैं बात तो कभी दूर, ऐसे में अपने कलर की बॉल्स कब्जे में करना वाकई मुश्किल है। गौरव की कोशिश शायद येलो स्माइली बॉल्स को ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट करने की है। ये सामने इधर, ये 8 मिनट कंप्लीट हो चुकी है गाइस, जस्ट 2 मिनट्स लेफ्ट। पवित्र हितेश, आपके पॉइंट्स थे 1400 जो गौरव और सानिया ने गिने। गौरव और सानिया, आपका स्कोर हुआ है 8 मिनट कंप्लीट हो चुकी है गाइस, जस्ट 2 मिनट्स लेफ्ट। इन बचे हुए 2 मिनट में जद्दोजहद हो गई है और भी तेज, क्योंकि दोनों जोड़ियों के लिए ग्रैंड फिनाले में जाने का होगा ये आखिरी मौका, तो किसी भी जोड़ी को हार कैसे गवारा होगी। दिए गए समय में इस क्लास को करना तभी आसान होगा जब जोड़ियां वोट के बैलेंस के साथ ही साथ आपसी तालमेल भी बखूबी बनाए रखेंगी। सिर्फ 1 मिनट बची है। Keep it straight, keep it straight. Where are you going? Come on, team. अब सिर्फ 30 सेकेंड रह गई है आपके और ग्रैंड फिनाले के बीच। Alright team, countdown शुरू हो चुकी है। 5, 4, 3, 2, 1. Stop. दोनों जोड़ियों की मेहनत के बाद अब देखते हैं दोनों की पोजीशंस रिस जीले ये पल के इस साथ से क्या है। मेरे हाथ रिजल्ट्स हैं, हमने टैली किया है, लेकिन हम चाहते हैं आप अपनी बॉल्स को सबके सामने गिनकर हमें खुद की पॉइंट्स बताएं। ये है गौरव सानिया की टीम के और ये है गौरव सानिया, आप भी शुरुआत करेंगे। आप पवित्रा और नितेश की बास्केट को खोलिए और उनके पॉइंट्स गिनना शुरू कीजिए। 10, 20, 30, 40, 50.